जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सफ़ेद गोपी चंदन के बारे में। दोस्तों ये कुल मैंने 10 रुपये का लिया है, 10 रुपये के दो हैं। दोस्तों मैंने पहले से एक वीडियो डाल रखी है जिसमें गोपी चंदन का बताया है, महत्व कथा सब बताया है दोस्तों। लेकिन ये सफ़ेद गोपी चंदन क्या है दोस्तों? दोनों एक ही है दोस्तों। दोस्तों इसकी एक कथा और है जो मैं आपको पहले वाले वीडियो में नहीं सुना पाया था, लेकिन अब सुनाता हूँ दोस्तों। एक अहंकारी पापी राजा था जिसका दो सिपाहियों ने गर्दन अलग कर दी थी, और जो वो गर्दन एक पंडित अपने सिर पर गोपी चंदन लगा रहा था तो कुछ चंदन की बूंद नीचे गिर गई थी, उसमें सिर आके गिर गया था दोस्तों, और उसके सिर पर गोपी चंदन लग गया था। इससे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई दोस्तों। इसलिए आप भी लगाएं रोजाना गोपी चंदन दोस्तों। गोपी चंदन दो प्रकार से लगाते हैं, एक तो उसको छोटा छोटा तिलक लगा सकते हैं और एक लंबा भी लगा सकते हैं दोस्तों। तो आप इस टाइम पे तो लंबा चंदन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप छोटा टिकी लगा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आप को अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। जो नए आए वो सब्सक्राइब जरूर करें, जो पुराने हैं वो लाइक करें। किसी के मन में अगर कोई सवाल है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा दोस्तों। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो इससे रिलेटेड गोपी चंदन।